हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये वीडियो में देखने वाले हैं हाउ टू ऐड बाइनरी नंबर यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें बाइनरी एडिशन करेंगे यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। तो केस वन है, दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे। केस टू, जो स्मॉल नंबर होगा वो नेगेटिव होगा। केस थ्री, जो लार्जर नंबर है वो नेगेटिव होगा। और केस फोर, दोनों नेगेटिव नंबर है और हम टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज करके कैसे बाइनरी एडिशन करते हैं। तो केस वन में क्या है, दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे 26 और 12 नंबर दिया है। तो जैसे ही हम बाइनरी एडिशन करते हैं वैसे ही यहाँ पे एडिशन करना है। तो सबसे पहले आप 26 का बाइनरी कन्वर्ट कर दीजिए, फिर 12 नंबर का बाइनरी कन्वर्ट कर दीजिए, फिर ये नंबर रहा 26 और ये नंबर रहा 12, दोनों का आप बाइनरी एडिशन कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा 38 बाइनरी में। केस टू देखते हैं। केस टू में क्या है कि स्मॉल नंबर जब नेगेटिव हो और हमें एडिशन करना है यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे एक 26 नंबर दिया है और एक नेगेटिव नंबर दिया है 12। तो जो नेगेटिव नंबर है वो स्मॉल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 26 का हम यहाँ पे बाइनरी कर देंगे, उसके बाद जो 12 नंबर है उसका हम बाइनरी करेंगे, और बाइनरी करने के बाद हम उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 12 नंबर का हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं। तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट है, जीरो की जगह वन, वन की जगह जीरो। फिर टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो वंस कॉम्प्लीमेंट मिला है उसमें वन ऐड कर दीजिए। वन ऐड करने के बाद हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। तो ये हो गया 12 नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करना है, 26 नंबर ये रहा, उसमें हमने जो 12 नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकाला है वो हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे क्या हुआ, कैरी जनरेट हुई। तो जब भी टूज कॉम्प्लीमेंट का हम यूज करके एडिशन करते हैं तो इसमें जो कैरी जनरेट होती है वो हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। तो यहाँ पे क्वेरी को हमने इग्नोर किया तो हमें आंसर मिला 1110। तो ये 8th पोजीशन पे 1 है, 4th पोजीशन पे 1 है, 2th पोजीशन पे 1 है और 1 पोजीशन पे 0 है। मींस 8 प्लस 4 प्लस 2 हमें 14 मिल जाएगा। नेक्स्ट बार करते हैं केस 3। केस 3 में जब लार्जर नंबर नेगेटिव होता है तो हम टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज करके बाइनरी एडिशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एक 26 नंबर दिया है, वो नेगेटिव नंबर दिया है, और जो स्मॉल नंबर है वो पॉजिटिव नंबर दिया है। तो सबसे पहले आपको 26 का क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए, 12 नंबर का बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए। अब नेगेटिव नंबर कौन सा है, 26, तो 26 का हम क्या करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं। तो ये है 26 का वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस वन करेंगे तो हमें क्या मिल गया, टूज कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। अब ये टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर प्लस 12 जो हमें मिला है वो बाइनरी नंबर हम ऐड करेंगे। तो ये 26 का टूज कॉम्प्लीमेंट है और ये 12 नंबर है, दोनों का हम एडिशन करेंगे। 12 है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो हम एक्सटेंड क्या करेंगे, जीरो बीट एक्सटेंड करेंगे। और ये -26 क्या है, नेगेटिव नंबर है, तो हम 1 बीट साइन बीट एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के बाद हम एडिशन कर देंगे। तो एडिशन करने के बाद हमें जो आंसर मिला वो क्या होगा, नेगेटिव फॉर्म में आंसर होगा। तो नेगेटिव फॉर्म का फिर से हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से जो आंसर मिला है हमें उसका हमें टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो ये जो आंसर है उसका हम पहले क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। तो जीरो, वन की जगह जीरो और जीरो की जगह वन, यहाँ पे जीरो है तो वन, जीरो है तो वन, वन है तो जीरो और जीरो है तो वन। फिर क्या करेंगे, प्लस वन कर देंगे, तो हमें जो लास्ट में जो आंसर मिला वो क्या मिला, पॉजिटिव होके आंसर मिलेगा। तो ये हो गया, ये 8 की पोजीशन पे 1 है, ये 4 की पोजीशन पे 1 है और ये 2 की पोजीशन पे 1 है। तो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14। तो जो ये नेगेटिव फॉर्म था उसका हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। तो जो ये हमें आंसर मिला है वो आंसर हमारा सही है। अब देखते हैं केस 4। केस 4 में क्या होगा, दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे एक नंबर दिया है -26 और एक नंबर दिया है -12। तो सबसे पहले 26 का बाइनरी निकालेंगे
और 12 नंबर का बाइनरी निकालेंगे। तो ये नंबर है 26 का बाइनरी और ये नंबर है 12 नंबर का बाइनरी। अब क्या करेंगे हम, टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, तो ये नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस वन, तो हमें 26 का यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट मिलेगा 100110। सिमिलरली ये नंबर का हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस वन, तो 12 नंबर का हमें यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट मिला ये। अब ये रहा 26 का टूज कॉम्प्लीमेंट और ये नंबर रहा 12 नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, 26 में MSB ये बीट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली हमें साइन बीट एक एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये MSB है माइनस 26 नंबर का MSB है। जब भी MSB इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली साइन बीट इससे लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो माइनस 26 में ये साइन बीट होगा और ये MSB होगा, ये बीट MSB होगा। सिमिलरली माइनस 12 है, तो 12 में ये नंबर क्या है, नेगेटिव नंबर है, तो हम क्या करेंगे उसमें 11 साइन बीट एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के बाद हम क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे। तो एडिशन करने के बाद हमें क्या मिला, यहाँ पे कैरी जनरेट होगी। तो जब भी हम टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज कर रहे होंगे और कैरी जनरेट होती है तो उसको क्या करना है, इग्नोर करना है। तो हम यहाँ पे कैरी को डिस्कार्ड करेंगे और डिस्कार्ड करने के बाद हमें जो ये आंसर मिला है वो हमारा आंसर क्या होगा, नेगेटिव फॉर्म में होगा, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा। तो हम क्या करेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 1 की जगह 0, ये 0 की जगह 1, ये 1 की जगह 0 और ये 0 की जगह 1, फिर 1 ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हमें ये आंसर मिला। तो जब भी ये आंसर का आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये नंबर होता है 38। मीन्स हमें जो ये आंसर मिला है वो नेगेटिव फॉर्म में माइनस 38 है। तो ये हमारा आंसर वैलिड है।